यद्यपि उप खिलाड़ियों के द्वारा कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है, परंतु प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए दोनों उपरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थगित कर दी गई। ये वीडियो मेरठ का है, जहां भामाशाह पार्क स्टेडियम के बाहर दो दरोगाओं पर दो रणजी खिलाड़ियों को पीटने का आरोप लगा। खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज तो नहीं करवाई, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन बड़ा एक्शन ले लिया। दोनों दरोगाओं को सस्पेंशन लेटर पकड़ा दिया गया। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो पता चला कि मामला ही कुछ और है। जी हाँ, हुआ यूं कि रविवार यानी 14 मई की देर रात दो रणजी खिलाड़ी खाना लेकर स्कूटी से अपने कमरे पर लौट रहे थे। इसी बीच भामाशाह पार्क के गेट के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें दो दरोगा बैठे हुए थे। इसी बीच गाड़ी हटाने को लेकर इन लोगों की आपस में कहासुनी हो गई। आरोप है कि दोनों दरोगाओं ने रणजी खिलाड़ियों को पीट डाला। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले आई। मामला मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह तक जा पहुंचा और उन्होंने सीओ सिविल लाइन से रिपोर्ट मांगी। भामाशाह स्टेडियम के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर स्थानीय रणजी प्लेयर्स और परीक्षितगढ़ थाने में तैनात एसएसआई वरुण और पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा उप खिलाड़ियों के साथ हाथापाई की गई थी। इस संबंध में यद्यपि उप खिलाड़ियों के द्वारा कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है, परंतु प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए दोनों उपरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थगित कर दी गई। हालांकि एसपी साहब ने यहां दोनों दरोगा को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन फिर भी वायरल हो गया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कहानी कुछ और निकली। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत जो विक्टोरिया पार्क है, उसमें एक गेट के सामने दो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे नहीं थे और सादे कपड़ों में थे, वहाँ कुछ खा रहे थे और उनकी गाड़ी गेट के सामने पार्क थी। इतने में जो और वहाँ पे खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ रहते भी हैं, वो अपनी स्कूटी से आ रहे थे। इसी दौरान अंदर जाने को लेके उनका वहाँ पे वाद विवाद हुआ और पुलिस ने जो सीसीटीवी देखी उसमें जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से पहले मारपीट की गई, फिर उसमें बीच बचाव भी किया गया और बहुत 15-20 सेकंड का ये मामला था। उसके बाद दोनों ही पक्ष थाने पर आए थे और थाने पर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार किया है और इसमें मेरे द्वारा जो पुलिसकर्मी थे उनके व्यवहार को लेके उसमें उनको निलंबित भी किया गया था, जिसमें एक प्रारंभिक जांच का आदेश किया गया, उसमें एक प्रारंभिक जांच है, वो अभी चल रही है। तो बाद में आई सीसीटीवी फुटेज से देखा गया कि खिलाड़ियों ने ही सबसे पहले मारपीट की, लेकिन मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह का कहना है कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से मना किया, लेकिन प्रारंभिक जांच की जा रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।